हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे के बीच सरकार सत्र को करवाने का रिस्क लेना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष सीपीआईएम व निर्दलीय शीतकालीन सत्र करवाने के पक्ष में खड़े हैं। इस लिहाज से फिलहाल विधानसभा सत्र तो होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सत्र धर्मशाला में हो या शिमला में, इस पर अभी संशय है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बाद बताया कि विपक्ष व अन्य सदस्य सत्र करवाने के पक्ष में हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की जाएगी। कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि सत्र कहां करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत जगह बंदिशें लगाई हैं, ऐसे में सत्र कहां व कैसे ही, इस पर निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, क्योंकि ये रिवायत है हिमाचल प्रदेश की कि हम विंटर सेशन दिसंबर में करते हैं, लेकिन कोविड-19 में संक्रमण की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़े हैं। कुछ जिलों में, जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस कारण जो है वो फिर से कुछ लोगों का विचार आया, बहुत सारे विधायकों के भी मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आई हैं, और मंत्रिमंडल में विचार जो है इनफॉर्मली इस पर किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करे, और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को उस विचार विमर्श से अवगत कराए, फिर उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र आहूत हो या ना हो, और साथ ही कहां पर हो। वेन्यू का भी स्थान विशेष महत्व है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला में ही सेशन होता है, वहाँ हमारे विधानसभा भवन है, लेकिन धर्मशाला में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता है। सारे विधायकों को, मंत्रीगण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला जाना होता है, और वहाँ पर रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, होटल्स इत्यादि में जो है वो प्रबंध रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या उचित रहेगा, इन सब प्रश्नों पर जो है वो सबसे विचार विमर्श के लिए आज हमने इस बैठक का जो है वो निर्णय लिया था। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सीपीआईएम के नेता श्री राकेश सिंघा जी, हमारे स्वतंत्र विधायक हैं श्री तुषार सिंह जी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो है वो हाउस के नेताओं के रूप में जो है वो आज सम्मिलित हुए, और उसमें विचार विमर्श में मत जो है वो ऐसा था कि विधानसभा सत्र हो, लेकिन वेन्यू कहाँ हो इसका निर्णय सरकार जो है वो सारी परिस्थितियों को देख करके ले। इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मैं इससे अवगत कराऊंगा, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि हमको ये सत्र अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। 18 मार्च तक 6 महीने होंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा
सेशन है, जो मानसून सत्र था, वो 18 सितंबर को ख़त्म हुआ था। तो 6 महीने जो है वो 18 मार्च तक होंगे, तो तब तक जो है कभी भी हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल जो है तय करेगा कि इस पर जो है पुनर्विचार हो या यथावत जो है स्थिति रहे। सर डिफेंस के लिए तो क्या उनका केवल इतना कहना है कि अभी विधानसभा का सत्र, क्योंकि मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है, गवर्नर ने इसको किया है, तो इसको जो है वो सत्र तो हो, लेकिन कहाँ करना है वो सरकार निर्णय करे। उन्होंने जो है कोई इस बारे में ये नहीं कहा है कि भी इसे वहीं पर होना चाहिए या शिमला में होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही अधिकांश नेता ये कह चुके हैं कि इसे शिमला में करें, और कुछ नेता उन्हीं की पार्टी के कह रहे हैं कि ना हो। तो अलग अलग पार्टियों में भी सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन कंसेंसस के आधार पर जो है मैं जो आज बात हुई है उसको जो है वो निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा, और उसके बाद जो है तय करेंगे कि क्या होगा। उधर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सत्र करवाने के पक्ष में है, इसलिए सरकार सत्र को टालने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र होना चाहिए, क्योंकि जब शादियां बस सरकारी जश्न हो रहे हैं तो सेशन करवाने में क्या समस्या है। कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार असफल हो चुकी है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब सरकार से सत्र में मांगे जाएंगे। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने हिस्सा लिया है, और हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन हर हालत में होना चाहिए, और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन को डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा। उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया, और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है। तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए, हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है, और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है। तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि सरकार सेशन करवाए। स्थान का या धर्मशाला में ही अंतिम निर्णय? इस बारे में जो फैसला है वो अभी तक सरकार को करना है, क्योंकि सरकार के अपने कुछ तर्क हैं जो वो दे रहे हैं। परंपरा तो धर्मशाला को लेकर रही है, लेकिन ये एक विशेष परिस्थितियों में कुछ बातें उन्होंने रखी, लेकिन अभी तक डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाना चाहिए, और ये कहाँ किया जाता है ये मुझे लगता है कैबिनेट कॉल लेगी, मंत्रिमंडल इस बारे में फैसला करेगा। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि एक ये धारणा थी कि 18 मार्च तक सेशन को टाला जा सकता है, 6 महीने के अंदर सेशन करना होता है, तो अभी तक समय है। तो 18 मार्च का मतलब ये हुआ कि सीधा बजट सेशन हो, और बीच में फिर ये सेशन जो है नहीं होना, क्योंकि पंचायतों का कोर्ट लग जाएगा 15 तारीख के आसपास। तो 11 तारीख को अगर सेशन खत्म होता है तो 11 के बाद किसी भी इसमें पंचायतों का कोर्ट लग जाएगा, फिर पंचायतों के इलेक्शन होंगे, प्रदेश में पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं,
अभी बिहार के इलेक्शन वगैरह हो के हटे हैं, अभी जे एंड के में जो है निकाय के चुनाव चल रहे हैं, प्रदेश में भी जो है सारी बातें हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं और शादियां भी हो रही हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो सेशन किस वजह से ना हो, सेशन होना चाहिए। अभी काफी समय है मुद्दों को लेके, अभी तो सबसे ये है कि आज इसी महीने जो है अब तक जो है 300 के आसपास डेथ्स पहुंच गई हैं, तो सरकार का क्या प्रबंधन है, किस ढंग से कोविड को डील किया जा रहा है। कोविड बहुत बड़ा मसला है, चाहे हालांकि मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा कि विपक्ष कोविड की बात करता है, कोविड मानवता से जुड़ा मसला है, कोविड लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है, तो कोविड तो के बारे में तो चर्चा होगी। बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, कोई कर्जों के मसले हैं, कोई जो है नेशनल हाईवेज के मसले हैं, फोर लेन्स के मसले हैं, हवाई अड्डों के मसले हैं, रेल लाइनों के मसले हैं, लोगों के सामान्य मुद्दे हैं, जो जिस ढंग से राशन महंगा किया, बिजली महंगी की, पानी महंगा किया, सफर महंगा किया, ये सारी चीजें जो है, थोड़ा संक्षिप्त सत्र है लेकिन बातें तो आएंगी, ये सारी इन पे चर्चा होगी। तो आज सेशन के तो सभी पक्ष थे, सेशन के तो राकेश सिंघा जी भी पक्ष थे और प्रशांत सिंह जी भी पक्ष थे, सरकार ने अपनी बातें रखी और वो सरकार अपने लेवल पे डिसाइड करेगा, पर लेकिन करेगी, लेकिन हमने ये कह दिया कि आप सेशन करवाइए। सर कोविड के मामले बढ़े, प्रबंधन में अगर दक्षता नहीं होगी, प्रबंधन में कमी होगी, तब जो है ऐसी बातें होती हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश अगर आबादी की औसत के हिसाब से देश में नंबर वन पे है, अगर राजधानी शिमला जो है नंबर वन पे है, और ख़ासतौर पे इस महीने में जिस ढंग से डेथ टोल बढ़ा है एकदम से, तो सरकार को सारे अपने प्रबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए सारी के व्यवस्था में आखिर हम देश में सबसे ऊपर कैसे चले गए। जो लोग दावे जताते थे कि हम जो है प्रबंधन में सबसे अच्छे हैं, वो उनका जो है रिपोर्ट कार्ड ऐसे कैसे खराब हो गया, वो उसको देखें। और बाकी तो सेशन आ रहा है, ये सब बातें सेशन में होंगी।